हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स एंड वेटरन्स टेस्ट के बारे में। तो इस टेस्ट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो चलिए देखते हैं डी मॉर्गन्स। ओके तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, लिमिट एन, और जैसे कि आप यू एन और यू एन प्लस वन टर्म निकालते थे वही माइनस वन एंड देन लॉग। माइनस वन अगेन एंड देन कर्ली ब्रेसेस वन log n, okay? And this is equals to l. अब यहाँ पर l के basis पे हमारे पास result है। Convergent होगा if l is greater than one, divergent होगा if l is less than one, and test will fail if l is equals to one, okay? तो इसको एक example के through समझते हैं। सपोज करो आपको इस तरीके से सीरीज गिवन है, वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पर एक बार एक्स है देन एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन। ओके तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू एन निकालना है। कैसे निकलेगा, वन थ्री फाइव है मतलब वन का स्क्वायर था फिर थ्री का स्क्वायर था फिर फाइव का स्क्वायर था, ऑड नंबर्स चल रहे हैं तो टू एन माइनस वन लिख दिया और यहाँ पर आ गया स्क्वायर, प्लस वन भी लिख सकते हो टू एन प्लस वन। ओके एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर दो थे दो टर्म्स लिखी हुई है तो एक्स की पावर वन है, थ्री टर्म्स लिखी हुई है तो एक्स की पावर यहाँ पर टू है तो यहाँ पर इस वजह से मैंने एन माइनस वन कर दिया। देन टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, इवन चल रहा है तो टू एन और इसका स्क्वायर कर दिया। ओके नाउ हम क्या लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंगली यू एन ले लिया देन यू एन प्लस वन लेंगे, जहां पर भी एन लिखा है वहां पर सिंपली हम प्लस वन कर देंगे तो सेम ये ऐसे ही रहेगा, यहां पर टू ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर यहाँ पर टू एन प्लस वन ऐसे और इसका होल स्क्वायर एक्स एन प्लस वन माइनस वन तो ये आपस में कैंसिल। अब इन दोनों टर्म्स को हमें डिवाइड करना है, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर ये यह हो जाएगा टू एन प्लस टू माइनस का वन सो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन। ओके सो दिस विल बी टू एन प्लस वन का स्क्वायर और यहां पर ये हो जाएगा टू एन प्लस टू का स्क्वायर। ओके तो टू एन प्लस टू और ये यहां से मैं हटा देती हूँ। नाउ इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे यू एन प्लस वन। ठीक है सो दिस विल बी वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन टू एन माइनस वन का स्क्वायर एक्स एन माइनस वन एंड टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सो ऑन टू एन का स्क्वायर। देन मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब इफ आप ये लिखोगे इस तरीके से कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये जो टर्म है वो इधर रहेगी एंड ये ऊपर चला जाएगा। ओके सो यहाँ पर ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं और ये जो है टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर ये भी इसमें कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आएगा आपके पास टू एन माइनस वन। ठीक है तो ये सारी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, देन ये इधर ये पूरा कैंसिल होगा, ये इधर पूरा कैंसिल होगा, इसमें ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो इवन टर्म होगी वो होगी आपकी टू एन।
ओके, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, तो ये कैसे हम लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स टू द पावर एन, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर बचा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में वन बाई एक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज को पता लगाने के लिए ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, हम रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, यू एन, यू एन प्लस वन, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी एक लॉन्ग मेथड जो है यूज़ करें सीरीज़ को पता लगाने के लिए उसका नेचर कैसा है। तो हम रेशियो टेस्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ हमारा जो टेस्ट है वो फेल होता है देन हम किसी और टेस्ट पे जाएंगे, अगर वो फेल होता है देन हम इस टेस्ट पे आ सकते हैं। तो एक बार पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, इफ़ मैं लिमिट यहाँ पर इससे पहले की इन्फिनिटी पुट करूँ तो हम एन को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो है एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा टू बाई टू टू द पावर एन इसका स्क्वायर एंड सेम यहाँ पर वन अपॉन में एन का स्क्वायर इंटू में वन बाई एक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा सकती हूँ, दिस दिस बाय इन्फिनिटी जीरो, दिस बाय इन्फिनिटी जीरो, टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म्स, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, वन बाई एक्स, विच इज लिमिट जब हमने इन्फिनिटी के टूवर्ड्स पुट किया था, तो यू एन प्लस वन का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा आंसर है, ये क्या है, एल है ना, तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये, कि एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि वो ग्रेटर देन वन है लेस देन वन है। तो यहाँ पर रेशियो टेस्ट से हम कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं, सो बाय रेशियो टेस्ट दिस वन बाय एक्स इफ दिस इज ग्रेटर देन वन, सो हमारी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। इफ दिस इज लेस देन वन तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू वन तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इफ ग्रेटर देन वन है तो एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन वन होगी, और यहाँ पर इफ दिस इज लेस देन वन तो एक्स की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन वन होगी, और एग्जैक्टली वन है तो एक्स की वैल्यू जब वन होगी तभी इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा। तो इस पे हमारा टेस्ट फेल हो रहा है और इन दोनों पे हमें हमारे आंसर्स मिल चुके हैं, तो अब हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। ओके, तो आप चाहो तो ये वाला टेस्ट जो है अप्लाई करके चेक कर सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, तो एक बार हम इससे भी देख लेते हैं, तो हमारे पास यू एन, यू एन प्लस वन का आंसर आया था टू एन प्लस टू का स्क्वायर एंड टू एन प्लस टू इसका स्क्वायर आया था और इंटू में वन बाय एक्स था। तो हम किस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू वन पुट करोगे तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ ये। ओके, अब यहाँ पर मैं यू एन, यू एन प्लस माइनस वन करेंगे इस टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस वन करती हूँ तो यहाँ पर भी माइनस वन हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में एन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर माइनस का वन। नाउ एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आएगा वन एंड यहाँ पर आएगा वन। ओके, अदरवाइज तो फिर स्टार्टिंग में कैंसिल हो जाता, ठीक है, माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लूँगी, उससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो दिस विल बी टू एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर एंड टू एन प्लस टू इसका होल स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर इंटू में एन। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट एन फोर एन प्लस थ्री एंड टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लिमिट पुट करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेर एन यू एन यू एन प्लस वन, ठीक है, रेबिस टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इफ यहाँ पर भी फिर लिमिट इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ से मैं एन स्क्वायर जो है यहाँ से भी एन कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ से जब एन कॉमन निकालोगी ये एन स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी फोर प्लस थ्री टू द पावर एन, और यहाँ से निकालेंगे सो दिस विल बी वन की पावर एन
और ये, ठीक है, ये कैंसिल। अब मैं लिमिट इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराऊंगी तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर बच गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 1, मतलब जो ये एल वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल्स टू एल, और यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से जो है वो टेस्ट फेल हो गया। ओके, तो मैंने रेशियो टेस्ट से निकाला तो भी एक्स जब 1 था तो टेस्ट हमारा फेल हो रहा है, लेबेस टेस्ट से निकाला तो भी एल की वैल्यू 1 आ गई और टेस्ट जो है फेल हो गया। अब जो मैंने आपको इस वीडियो में जो टेस्ट के बारे में बताया था, अब हम वो अप्लाई करेंगे। सुनाओ, अब हम अप्लाई कर रहे हैं डी मॉर्गन्स टेस्ट। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ तक तो आंसर निकाल लिया था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। -1 तक हमने कर लिया था, तो जिसका आंसर हमारे पास आया था n 4n + 3 2n + 1 का स्क्वायर। ओके, तो डी मॉर्गन्स टेस्ट में हमें क्या करना होता है, फिर से -1 करना होता है, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, दिस विल बी -n - 1 2n + दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, लिमिट वेयर दिस एन टेंस टू इन्फिनिटी n un + 1 -1, फिर से -1 करते हैं, तो यहाँ तक तो स्टेप हो चुका है हमारा, अब क्या है log n लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम लिमिट आप इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा दो, ये आंसर तुम्हारा आ चुका है, क्या करना है log n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं कॉमन ले लेती हूँ n, जब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा दिस। ओके, यहाँ से भी लेंगे तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एन से तो एक एन ऊपर वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ एक एन नीचे और बचा है, तो वो मैंने इस तरीके से लिख लिया। ओके, बिकॉज वी हैव अ रिजल्ट, इफ लिमिट दिस एन टेंस टू इन्फिनिटी log n बाय log n दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि अब जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी नेक्स्ट स्टेप में, इसमें 1/∞, 0, 1/∞, 0, ये कुछ भी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलती है, सो इसमें क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच इज़ लेस देन 1। ओके, इफ़ ये लेस देन 1 है, और कौन से केस के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, x = 1 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, लेस देन 1 होने पे जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट। ओके, तो इस टेस्ट से हमें ये पता लगा कि जो x = 1 वाला केस है उस पे हमें डाइवर्जेंट मिलेगी सीरीज। नाउ हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, x जब लेस देन 1 था तो हमारी जो सीरीज थी वो क्या थी, कन्वर्जेंट थी। इफ x की वैल्यू >(1) है एंड =1 है तो फिर क्या हो जाएगी, सीरीज डाइवर्जेंट। आई होप ये टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।